को मैंने कैटेगराइज करके दे दिया कि देखो एक प्रकार ये होता है, दूसरा प्रकार ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा एक हो सकता है मिश्र। और मिश्र में क्या जाएगा, इनको मिक्स कर सकते हो आप, बल के और मेरखंड के मिक्स करके एक नया प्रकार, एक नया अलंकार बना दो, है ना। इन्हीं तीन चार प्रकारों को मिक्स कर करके, अब जैसे सारे गरे सारे गा म मा गरे ये बनाया, तो ये बल भी है इसमें और एक लड़ भी है। सारे गरे सा रे गा मा मा गरे, अब म पे वजन दे के वापिस भी आना है। सारे गरे सारे गा मा मा गरे गा मा बा बा मा गा मा बा। आप भुला दे मुझे को मेरा सयोनी, मोह मुझे तोरी माया में सयोनी। अलंकार के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, अलंकार क्या है, अलंकार का मतलब क्या होता है, अलंकार के फायदे क्या हैं, अलंकार क्यों सीखे जाते हैं, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए हैं, है ना। अब अलंकार कितने प्रकार के हो सकते हैं, अगर उस पर भी थोड़ी बहुत बात कर लें तो वो कितने भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई अलंकार मतलब उस आभूषण के कितने भी आकार हो सकते हैं, है ना। आपका नौलखा हार भी है तो एक पतली सी चेन भी है कि नहीं। अगर वो बड़े बड़े इतने सोने के मेडल भी होते हैं तो सोने की अंगूठी भी होती है इतनी सी, ठीक है। तो आकार का ना कोई साइज उसमें निर्धारित होता है ना कोई शेप, उसी तरह से अलंकार है। अलंकार का कोई एक पैटर्न निर्धारित नहीं है, एक पैटर्न तय नहीं है कि इसी पैटर्न में चलेगा, कोई भी पैटर्न हो सकता है उसका। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल्स आपको दो तीन दे दूँ, सारे गे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा, ये सीधा सीधा पैटर्न जा रहा है, है ना, एक ही लड़ वाला। अब इसमें ये देखिए, ये पहले सा रे गा मा पा धा नी, ये आपको सात सुर पता है। अब ये सीधा जाए तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। फिर एक पैटर्न जा रहा है सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नी, ये तीन तीन का सेट जा रहा है। तो ये एक सिंपल सा पैटर्न है, सा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी, ये भी सिंपल सा पैटर्न है चार चार का। लेकिन यही पैटर्न मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट करूँ, सा गा रे सा, है ना, सागर ऐसा कर दिया, मतलब क्या किया, बीच वाला रे छोड़ दिया, सा ग सीधा ही तीसरा वाला सुर लिया, सागर सा रे मा ग रे ग पा मा ग मा धा पा मा पा नी धा पा धा सा नी धा, ये थोड़ा और विकट हो गया। अब इसको और विकट कराओ, सारे सागर सा रे ग रे मा ग रे, सारे सागर सा रे ग रे मा ग रे ग मा ग पा मा ग, है ना, ये थोड़ा और टिपिकल हो गया। अब इसको और टिपिकल करेंगे, सारे सा ग ग रे सा ग रे सा, ये एक जोड़ बना इसका खाली, सारे सा ग ग रे सा ग रे सा रे ग रे मा मा ग रे ग रे मा ग रे ग मा ग पा पा मा ग मा ग पा मा ग मा पा मा धा धा पा मा मा पा मा धा पा मा, ठीक है, ये और टिपिकल हो गया। तो ये इस तरह से इसकी डिफिकल्टी लेवल्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के अलंकार हो गए। अब इसमें कई, जैसे एक ये बल का, बल के अलंकार होते हैं, ये देखिए बल का अलंकार मतलब जो कूद कूद के लगेगा। अलंकारों के प्रकार मैं बता रहा हूँ, एक तो सिंपल लड़ के अलंकार, जैसे लड़ गुथाव इसको आप कह सकते हो या लड़ कह सकते हो, ये प्रकार आप नोट कर लो। पहला प्रकार होता है लड़ का अलंकार, यानी एक दो तीन 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 एक दो तीन, ऐसे जा रहा है, सा रे ग रे ग मा ग मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा, ठीक है। ऐसी ही लड़ और बना लो, सा रे गा मा पा गा मा पा धा नी पा धा नी सा, ऐसी ही लड़ और बनाओ, सा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी सा, है ना। तो ये लड़ बन रही है, ठीक है, एक जैसा जा रहा है। फिर होता है लीपिंग अलंकार, ये सेकंड टाइप ऑफ अलंकार है, ये आप नोट कर लीजिएगा सारे, ठीक है। पहला हो गया लड़, या यूं कह लीजिए लड़ गुथाव इसको कहते हैं, गुथाव यानी गुथा हुआ, है ना, जैसे सी दिया हो किसी ने, सिल दिया हो उसे, ठीक है। तो ये एक जैसा जा रहा है, एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन, है ना, रेगुलर है, सारे गामा रेगा मापा एक दो तीन चार एक दो तीन चार, ठीक है। फिर सारे गामापा सारे गामापा रेगा मापा धा गामा बाधा नी, ये भी सारे गामापा धा रेगा मापा धा नी गामा बाधा नी सा, ठीक है। ये जो सात अलंकार हैं, ये सात अपने छंद के भी अलंकार हैं, और जो सातों हमने जो छंद सीखे हैं ना, तिस्त्र का, चतुस्त्र का, खंड का, मिश्र का, वो सारे इसमें दिख जाते हैं आपको अलंकारों में, सात अलंकारों में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आप देखते हैं लीपिंग अलंकार, लीपिंग अलंकार यानी कूद कूद के छोड़ छोड़ के लगाने वाले, जैसे सा ग रे मा ग पा मा धा, तो सा ग रे मा ग पा मा धा पा नी धा सा, सा मा रे पा ग धा मा नी पा सा, सा पा रे धा ग नी मा सा, ठीक है। तो ये हो गया लीपिंग अलंकार।
तीसरा प्रकार लिखी है बल के अलंकार। बल के अलंकार यानी जो वजन के साथ पढ़ते हो, जो जिसमें कूदना भी होगा दूसरे सुर पर, तो वजन से कूदना होगा। ये बल के अलंकार आप ये कह लीजिए, भिंडी बाजार घराना जो है, ये महाराष्ट्र का घराना है जिससे मेरे गुरुदेव जो दादा गुरु जी हैं पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी, वो भी बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने ये प्रकार हमें बताया कि बल की उसमें ताने होती हैं, बल का काम होता है। बल यानी कूदना उस सुर पे और वजन से कूदना, जैसे कि सारे ग रे ग म ग म प म प ध। ये अलंकार में आप देख रहे हैं पहले पहले सुर पे वजन आ रहा है, ठीक है। इस ही अलंकार को ऑपोजिट किया है, ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नि ध प सा नि ध, ठीक है। फिर इसका उल्टा ध नि सा प, आप देख रहे हैं पूरा एक सुर को कूदना पड़ रहा है, ग रे सा म ग रे प म ग ध प म नि ध प सा नि ध ध नि सा प ध नि। देख रहे हैं नी से डायरेक्ट म पे आना पड़ेगा, ध नी सा प ध नी म प ध ग म प रे ग म सा रे ग। फिर उल्टा म ग रे सा प म ग रे ध प म ग नी ध प म सा नी ध प। ये देखा आपने, ये हो गया बल के अलंकार। आपको बल के समझ आए कि कैसे कूद कूद के जा रहा है, जैसे सा नी ध प म ग रे सा नी ध प म ग रे ग रे सा नी ध प म ग। ये पूरा का पूरा सप्तक कूदा है मैंने, सा नी ध प म ग रे सा रे डायरेक्ट। फिर अगला जो पल्ला इसका शुरू हुआ वो रे से शुरू हुआ, रे सा नी ध प म ग ग ग रे सा नी ध प म, है ना। तो इसे कहेंगे बल के अलंकार, जैसे सा, हाँ पूरा का पूरा सप्तक का जंप है, सा रे ग म प ध नी सा नी सा रे ग म प ध नी ध नी सा धन ध नी सा रे ग म प ध पदानी सारे गामा पा, ठीक है। तो ये वाले अलंकार हैं, ये थोड़े मुश्किल अलंकार हो जाते हैं। फिर चौथा प्रकार एक और लिखिए, वो हो जाता है मेरखंड का अलंकार, है ना। ये थोड़ा आपका एडवांस लेवल का अलंकार है, ये अभी नहीं आएगा पर ये आगे बहुत आगे आप सीखेंगे, जिसको हम मैथमेटिक्स के अगर भाषा में कहें तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी सारे गा, अब इन तीन के कितने बन सकते हैं, सारे गा रे गा सा गा सारे ग रे सा रे सा ग सा ग रे। ये तीन के छह बन गए आपने देखा, सा रे ग ये पहला, फिर रे ग सा, अगर 1 2 3 में माने तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2, ठीक है। ये तीन बने, तीन के छह बने, अब ये पूरा जुड़ जाएगा तो ये एक पैटर्न बनेगा, सा रे ग रे ग सा ग सा रे ग रे सा रे सा ग सा ग रे, ठीक है। फिर रे पे आया, अब रे से दूसरा प्रकार रे ग म, अब इसके कैसे कैसे बनाएंगे बना के बताओ मुझे धृति, बोलो रे ग म के क्या क्या बन सकते हैं, जैसे मैंने सा रे ग के बनाए रे म ग ये बन गए, ठीक है। इसी तरह से अब चार के बनाओगे तो सा रे ग म सा ग म सा रे म सा रे ग म ग रे सा ग रे सा म रे सा म ग सा म ग रे। ये मैंने 4 के 8 बनाए लेकिन 4 के 24 बनते हैं, एक सा ग रे म सा म रे ग सा म रे ग सा म रे ग म रे सा ग म सा ग रे मरे सा ग, है ना। इसी प्रकार से बनाते जाऊं तो 4 के 24 बनेंगे। तो ये हो गया मेरखंड का अलंकार। अब जैसे सारे गा मरे गा मा सा गा मा सारे मा सारे गा मा गरे सा गरे सा मरे सा मा गा सा मा गरे, ये मैंने 4 के 8 बनाए। तो आप देख रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट है, है ना। ये एक के बाद एक जुड़ता जा रहा है और ये कॉम्बिनेशन एक लड़ बन रही है इसमें भी, है ना। लेकिन ये इसी तरह से आगे बनता है। तो ये हो गया आपका मेरखंड के अलंकार। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए लगभग आपके 4 से 5 प्रकार, अभी मैंने आपको कितने प्रकार बता दिए। ये पहला प्रकार आपका लड़ एक लड़ जैसी जा रही है ना, एक से एक जुड़ रहा है एक ही पैटर्न में, ठीक है। फिर आ गया सेकंड लीपिंग, यानी कूद कूद के, ठीक है। फिर आ गया आपका तीसरा क्या आया, बल के अलंकार। इसमें भी कूदना ही है ना, इसमें भी कूदना ही है लेकिन कूद के वापस आके अगले सुर पे दोबारा कूदना है, जैसे ग रे सा म ग रे प म ग ध प म, है ना। ये सिर्फ 2-2 सुर का कूदना हुआ, फिर म ग रे सा प म ग रे ध प म ग, ये 3-3 सुर का हुआ, प म ग रे सा ध प म ग रे नी ध प म ग, ये और बढ़ गया, ध प म ग रे सा नी ध प म ग रे सा नी ध प म ग। फिर
नीधा पा म ग रे सा ने धा पा म ग रे फिर सा ने धा पा म ग रे सा ने धा पा म ग रे ग रे सा ने ये पूरा का पूरा सात सुर कूद रहे हैं सब तक कूद रहे हैं ठीक है और ये यही उल्टा भी होता है सा रे गा म पा ध नी सा रे गा म पा ध धनी सा रे गा म पा पा ध नी सा रे गा म है ना तो ये बल के अलंकार होते हैं फिर आपको मैंने अगला बताया मेरे खंड जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रहता है सारे गा रे गा सा ग सारे ग रे सारे सा ग सा ग रे ये एक जोड़ बनी रे गा मा गा मा रे मा रे गा मा गा रे गा रे मा रे मा गा ये दूसरा जोड़ है तो अब इसको गाएंगे तो सारे गा रे गा सा गा सारे गा रे सारे सा गा सा गा रे गा मा गा मा रे मा रे गा मा गा रे गा रे मा रे मा गा गा मा भा मा भा गा भा गा मा भा मा गा मा गा भा गा भा मा इसका अगर पैटर्न एक बार समझ आ जाए तो ये अभी सुनने में लग रहा है यार इतने सारे सुर एक साथ कैसे बोले जाएंगे मुंह से टंग ट्विस्टर हो गया आपके लिए तो ये लेकिन ये बड़ा आसान है अगर इसका पैटर्न एक बार समझ आ जाए कि कैसे जा रहा पैटर्न क्या बना इसकी गणित क्या बनी ठीक है फिर चौथा मैंने बताया सारे गामा एक दो तीन चार एक तीन चार एक दो तीन चार तीन दो एक चार दो एक चार तीन एक चार तीन दो है ना ये वैसे मैंने चार के चौबीस बनते हैं पर उसको लिमिट कर दिया चार का आठ ही बनाया है ना ताकि वो ज़्यादा मैकेनिकल ना लगे वरना तो सागरे माँ एक तीन दो चार एक दो चार तीन है ना ऐसे और भी बन सकते हैं जैसे सागरे माँ सामा गे सारे सागा ए सारे और इसमें ये ख्याल रहता है कि कोई भी सुर दोबारा रिपीट नहीं होता जाहिर सी बात है वही चार है अब इन्हीं चार में से आपको पहला बनाना है तो यही चार लेने दूसरी बार भी यही चार लेने लेकिन कोई सुर रिपीट नहीं करना ये नहीं कि सा सा मा गा ऐसे नहीं कर सकते आप कि ये भी तो चार हो गई नहीं एक सुर को दो बार नहीं लेना ठीक है इसी तरह से पांच का सा रे गा मा पा रे गा मा पा सा गा मा पा सा रे मा पा सा रे गा पा सा रे गा मा है ना ये भी अभी भी आधा आधा भी नहीं है तो वो एक चौथा ही है उसका फिर पा मा ग रे सा मा ग रे सा पा ग रे सा पा मा रे सा पा मा ग रे अब इसको मैं पूरा गाऊं तो सारे गा मा पा रे गा मा पा सा सारे गा मा पा रे गा मा पा सा गा मा पा सारे मा पा सारे गा पा सारे गा मा पा मा ग रे सा मा ग रे सा पा ग रे सा पा मा ग सा पा मा ग रे है ना जबकि इसके और भी बन सकते हैं सा ग रे मा पा ये भी बन सकता है सा पा ग म रे ये भी बन सकता है सा म रे ग पा ये भी बन सकता है ना और भी बहुत सारे प्रकार पांच के तो कितने सारे बन सकेंगे ये सोचो आप जब चार के चौबीस बन सकते हैं तो लेकिन अपन उसे लिमिट कर करके एक पैटर्न में डाल देते हैं तो ये चौथा प्रकार हो गया मेरखंड पांचवा प्रकार आप लिख लीजिए मिश्र है ना ये प्रकार वैसे कहीं लिखे हुए नहीं कहीं किताब के नहीं बता रहा हूं मैं ये अभी अभी आप ही के सामने जो कुछ अलंकार जितने पैटर्न के मुझे आते हैं उनको कैटेगरी में बांट के आपके सामने मैंने पेश कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए ये कैटेगरीज मैंने कहीं नहीं सीखी है मैंने तो ये सब भिन्न भिन्न अलग अलग सीखे हैं है ना लेकिन अब ये है कि आपको समझाना था तो क्या तरीका होता तो ये तरीका होगा कि भाई अलंकार के प्रकार एक टॉपिक ले लिया है ना और उसमें आपको मैंने कैटेगराइज करके दे दिया कि देखो एक प्रकार ये होता है दूसरा प्रकार ये तीसरा ये चौथा ये और पाँचवा एक हो सकता है मिश्र अब मिश्र में क्या जाएगा इनको मिक्स कर सकते हो आप बल के और मेरखंड के मिक्स करके एक नया प्रकार एक नया अलंकार बना दूं है ना इन्हीं तीन चार प्रकारों को मिक्स कर करके अब जैसे सारे गा ग रे सारे गा मा मा ग रे ये बनाया तो ये बल भी है इसमें और एक लड़ भी है सारे गा ग रे सा रे गा मा मा ग रे अब मा पे वजन दे के वापस भी आना है सारे गा ग रे सारे गा मा मा ग रे गा मा बा भा मा गा मा मा बा गा मा बा भा मा गा मा बा दा धा भा मा बा दा नी धी धा भा धा नी सा सा नी धा तो आप देख रहे हैं एक लड़ जा रही है सारे गा घरे सारे गा मा घरे गा मा बा मा गा मा बा दा बा मा बा दा नी धी धा बा धा नी सा नी धा सा नी धा धा नी सा नी धा बा बा दा नी धा बा बा धा बा मा बा दा बा मा गा मा बा मा घरे रे गा मा घरे सा सारे गा है ना ये भी कोई ऐसे नहीं है कि मेरे सीखे हुए अलंकार ये अभी अभी आपके सामने ही बना रहा हूँ मैं है ना पैटर्न वही बात है ना कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो क्रिएशन यूँ होती है फिर है कि नहीं तो कभी भी नहीं आप एक अलंकार बनाएंगे ठीक है अब इसका दूसरा बनाओ इसी का एक और प्रकार बनाओ है ना और कैटेगरी में डालो ऐसे नहीं कि ये अलंकार यूं ही हो गए नहीं प्रकार होते हैं जैसे कि मैंने बताया इन्हीं में मिलेंगे कोई ना कोई आपको जैसे कि अगर मैं ये सिखाऊं सारे सागर रे ग रे मा ग मा ग पा मा पा मा धा तो इसमें आपको बल नजर आ रहा है ना अभी मैंने ऐसे ही सुना दिया होता तो आपके लिए ये भी वही अलंकार था जैसे सारे ग म प ध नि सा है ना और सागर रे म ग प मा धा वो भी ये सब आपको एक ही समान नजर आते लेकिन अब मैंने बताया प्रकार होते हैं अलंकारों में सारे सागर रे ग रे मा ग मा ग पा अब सारे सागर सारे ग मा ये बल और लड़ दोनों जोड़ दिया सारे सागा सारे गामा रे गा रे मा रे गा मा पा गामा गा पा गामा पा धा तो याद नहीं करना पड़ेगा कि सारे सागा सारे गामा ये एक नहीं है इसके टुकड़े हैं सारे सागा सारे गामा ये दो टुकड़े हैं ये जोड़ के बनाया गया है
सारे सागा सारे गामा रे गा रे मा रे गा मा पा सारे सागा सारे गामा पा रे गा रे मा रे गा मा पा दा गामा गा पा गामा पा दा नी। ठीक है, इस प्रकार से जाएगा।